क्यों मैं लालटेन के पीछे बैठ करके आपसे बात कर रहा हूँ? हम लालटेन युग में नहीं जाने वाले हैं, वो हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ रश्मि। जहाँ एक तरफ आरजेडी के बिहार अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीएम नीतीश कुमार पर सवाल उठाए, उनके शासनकाल की तस्वीरें दिखाई और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी बात भी उनकी तरफ से कह दी गई। बता दें कि जगदानंद सिंह ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि बिहार लालटेन के युग से बहुत आगे बढ़ चुका है और अब इसे एक लाइन पर चुटकी लिया है जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने। बता दें कि ललन सिंह ने भी ट्वीट करते हुए जगदानंद सिंह के उसी वीडियो क्लिप को साझा करते हुए लिखा है कि मुझे बहुत खुशी हुई कि आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि बिहार ने विकास किए हैं और लालटेन के युग से बिहार ने बहुत आगे जो है अपने कदम को बढ़ा लिया है। तो ये एक अलग तरीके से ललन सिंह ने अपनी खुशी जाहिर की है और चुटकी लेते हुए उन्होंने आरजेडी के बिहार अध्यक्ष जगदानंद सिंह के उस वीडियो क्लिप को भी साझा किया है। बता दें कि कल जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जगदानंद सिंह सीएम नीतीश कुमार पर सवाल उठा रहे थे, कई तरह के आरोप उनकी तरफ से लगाए गए। इतना ही नहीं, एक के ऊपर एक जो घातक आरोप है वो जगदानंद सिंह की तरफ से लगाए जा रहे थे। खुलकर कल जगदानंद सिंह अपने तेवर में और अपने उस अंदाज में नजर आ रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ जो एक लाइन उनकी तरफ से कहा गया उसी लाइन को लेते हुए अब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जगदानंद सिंह पर चुटकी ले रहे हैं और उनका मजाक बना रहे हैं। क्या है ये पूरी खबर, किस तरह से ट्वीट करते हुए ललन सिंह ने जगदानंद सिंह की जो है खिल्ली उड़ाई है, इसकी पूरी जानकारी आपको देते हैं। बता दें कि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने शाम को राष्ट्रीय जनता दल के बिहार अध्यक्ष जगदानंद सिंह पर हमला किया। अपने एक ट्वीट में जगदानंद सिंह के प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो क्लिप डालकर उन्होंने चुटकी ली। आपको बताएं कि जगदानंद उस वीडियो क्लिप में यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम लालटेन युग से काफी आगे बढ़ चुके हैं। राजद अध्यक्ष की इस बात पर ललन सिंह ने लिखा है, हम लोग और बिहार की जनता भी तो यही कह रहे है। नीतीश कुमार के नेतृत्व और सुशासन के 15 साल बेमिसाल काल में बिहार बहुत आगे बढ़ चुका है। अब लालटेन युग में लालटेन कोई नहीं चाहता, आपके श्रीमुख से भी सुनकर बेहद खुशी हुई है। वहीं एक दूसरे ट्वीट में ललन सिंह ने राजद की उपलब्धियां गनवाने की बात कही है। बता दें कि ललन सिंह ने जगदानंद सिंह का एक वीडियो पोस्ट करते हुए हमला किया है। ललन सिंह ने कहा है कि दिसंबर 1996 में जब गंगा तिस्ता जलसंधि हुई थी तब केंद्र में आपकी ही पार्टी के समर्थक की सरकार थी और बिहार में भी लालटेन युग ही था, फिर इसके लिए असत्य बोलकर लोगों को क्यों बड़गला रहे हैं? आप 15 वर्ष तक सिंचाई मंत्री भी रहे हैं और आपकी उपलब्धियां क्यों नहीं गिनवाते हैं? तो ये ट्वीट करते हुए ललन सिंह ने जगदानंद सिंह पर चुटकी लिया है और बताया है कि आज मुझे बेहद खुशी हो रही है कि आप अपने मुख से इस बात को अस्वीकार कर रहे हैं कि बिहार ने काफी विकास किया है और यही बात तो बिहार की जनता भी कह रही है, हम भी कह रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार ने इस 15 वर्षों में विकास के कई सारे काम किए हैं और आज आखिरकार आप भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। तो कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से जगदानंद सिंह ने सीएम नीतीश कुमार पर सवाल उठाए, उन पर जो है हमले किए और साथ ही साथ ये बताया कि सीएम नीतीश कुमार कितने विफल मुख्यमंत्री हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक और जो बात है वो जगदानंद सिंह की तरफ से कही गई। बता दें कि कल जगदानंद सिंह ने अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि बिहार लालटेन युग से बहुत आगे बढ़ चुका है और बिहार की जनता को सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है और इसी एक लाइन को लेकर अब जनता दल यूनाइटेड की तरफ से जो है मजाक बनाया जा रहा है, आरजेडी की खिल्ली उड़ाई जा रही है और जगदानंद सिंह के उसी एक वीडियो को साझा करते हुए ललन सिंह ने हकीकत दिखाया है और बताया है कि आज आखिरकार आरजेडी और जगदानंद सिंह भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में विकास के काम किए हैं। अब देखने वाली बात होती है कि इस ट्वीट के बाद आरजेडी की तरफ से क्या कुछ जवाब दिया जाता है, क्योंकि जो बातें जगदानंद सिंह ने कही थी उस
एक बात को आधार बनाते हुए ललन सिंह ने जगदानंद सिंह पर जो है ये तंज कसा है, उनका मजाक उड़ाया है। अब किस तरह से जगदानंद सिंह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को जवाब देते हैं या आरजेडी के जो नेता हैं वो किस तरह से ललन सिंह को अपनी बातें कहते हैं, किस तरह से उनके इस मजाक का बदला लेते हैं, ये सब कुछ अब देखना होगा और इंतजार करना होगा कि कब आरजेडी के नेता ललन सिंह को मुंह तोड़ जवाब देते हुए अपने इस मजाक का बदला लेते हैं। फिलहाल इतना ही, ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।